गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लाइव क्लास में डिस्कस किया था कि जेनेटिक मटेरियल की जो सर्च थी, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जिसमें मैंने दो एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए थे। एक तो था बेटे ग्रिप्स एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एविडेंस फॉर जेनेटिक मटेरियल, मीन सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कौन है, इसकी सर्च जब हुई थी तो हमें पहले नहीं पता था डीएनए है। फिर हमें पहले हमने प्रोटीन को ट्रीट किया था कि प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल है। फिर हमने बाद में पता लगा कि प्रोटीन्स तो सेल्फ रेप्लिकेट कर ही नहीं सकते, तो फिर हमने उसको ड्रॉप कर दिया था। और फिर हम अब सेकेंड जो ऑप्शन है, यानी डीएनए की सर्च के लिए कि क्या वाकई डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो इसका एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिप्स ने। पहला एक्सपेरिमेंट था ग्रिप्स का, ग्रिप्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब जिसमें एक स्ट्रेन दूसरे स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाती है। इसने एक बैक्टीरिया सिलेक्ट किया था, आपको पता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जो निमोनिया कॉज करता है मैमल्स में, इसको सिलेक्ट किया था। इसकी दो स्ट्रेन थी, एक थी बेटा आर स्ट्रेन और एक है बेटा एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन का मतलब स्मूथ स्ट्रेन। ये कैसी थी, वायरुलेंट किलर थी ये निमोनिया कॉज करती है, क्योंकि इसके पास आपको पता है कैप्सूल होता है, पॉलीसेकेराइड कैप्सूल था। ये नॉन वायरुलेंट है, ये किल नहीं करता क्योंकि इसके पास कैप्सूल नहीं है। इस साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट जब कंडक्ट किया तो इसने माइस पे कंडक्ट किया। जैसे इसने पहले क्या किया बेटे, एक टेस्ट ट्यूब में रफ वाले बैक्टीरिया डाले, इनको इसने इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस जो था वो सरवाइव कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सेकंड इसने कहा कि मैंने इसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज किया कल्चर में, स्मूथ वाला। ये कहता है जब मैंने इंजेक्ट किया तो क्योंकि ये वायरुलेंट है, इसके ऊपर कैप्सूल है, तो माइस के ऊपर क्या हुआ, ये इफेक्ट क्या आया, इट किल द माइस। देन बेटा उसने थर्ड कहा कि मैंने एस वाले बैक्टीरिया को, इसमें एस वाले हैं लेकिन इनको किल कर दिया, हीट किल्ड है बेटा, ये हीट किल्ड है। इनको जब माइस में इंजेक्ट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इट सर्वाइव्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फोर्थ जो कहता है कि मैंने जो मेन काम, ये तो कहता देखो कि ये बैक्टीरिया इस फॉर्म में हार्मफुल है और इस फॉर्म में नहीं है। मतलब यहां से हमें इस डाटा से ये पता लगता है कि हीट किल्ड एस वाले प्रॉब्लम नहीं करते, मतलब किल नहीं करते। कहता फिर अब मेरा मेन काम आया कि मैंने यहां इस कल्चर में कौन से बैक्टीरिया लिए, रफ वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकी। तो फिर कहता साथ में मैंने डाल दिए एस वाले डाल दिए, और एस वाले कैसे डाल दिए, एस वाले डाल दिए बेटा हीट किल्ड। ये एस कैसे हैं, हीट किल्ड हैं, और हम जानते हैं कि ये दोनों ही ठीक है, कोई प्रॉब्लम करते नहीं, हार्मफुल है ही नहीं, तो इनको मिक्स करके इंजेक्ट करवा दिया बेटा। यहां पे इसने कहा कि मैंने इनको मिक्स करके माइस के अंदर इंजेक्ट कराया, तो थ्योरी तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बट कहता इट किल्ड द माइस। यहां ये थोड़ा सा अलग है, ये क्यों हुआ। तो कहता इस डेड बॉडी में, इस माइस की बॉडी में मुझे लाइव मिले एस स्ट्रेन के। अब ये कैसे लाइव हो गया, हमने तो डेड करके डाले थे, हमने डेड डाले थे बेटे, तो ये लाइव कैसे हुए। तो ये साइंटिस्ट कहते हैं कि जो रफ, जो एस था स्मूथ, कैसा था ये, हीट किल्ड, और हमने इसके साथ किसको डाला बेटे, आर को,
तो अब रिजल्ट क्या आया, हमारे पास एस वाले लिविंग आ गए लाइव इसकी बॉडी में, माइस में। ये कैसे आए? इसका मतलब इस एस वाले से कुछ तो इसके अंदर गया होगा, उसने इस रफ वाले को स्मूथ में कन्वर्ट कराया। ये जो कुछ गया है ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि नया करेक्टर जेनेटिक मटेरियल ही देगा ना, क्योंकि इसके पास तो वो कैप्सूल है ही नहीं। वो कैप्सूल कौन देगा? इसमें से कोई जेनेटिक मटेरियल इसमें गया होगा, इसने एब्जॉर्ब किया होगा, एब्जॉर्ब्ड जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डेड एस, मरे हुए से इसने कुछ तो लिया होगा, जिसने आर को एस में ट्रांसफॉर्म करवा दिया। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें रफ बैक्टीरिया जो थे वो स्मूथ में कन्वर्ट हो गए। अब करवाए किसने? वी आर इन सर्च ऑफ दिस, इसको सर्च करना है। तो इसको सर्च करने के लिए यहां पे तीन साइंटिस्ट, इन्होंने ग्रिफ्स ने तो यहीं तक का एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने तो यहीं छोड़ दिया बेटे। तो तीन साइंटिस्ट और थे जिन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट आगे फर्दर कंडक्ट किया। वो कौन थे? वो साइंटिस्ट थे बेटा एवेरी, मैकलॉयड, मैकार्थी। कौन कौन? एवेरी, मैकलॉयड और मैकार्टी। इन तीन साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। किस किस ने? मैकलॉयड ने, एवेरी ने और मैकार्टी ने। इन्होंने इसको फर्दर आगे इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया? इन्होंने कहा जी कि हमने रफ वाले बैक्टीरिया को तीन टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। तो जैसे इस टेस्ट ट्यूब में, सेकेंड में और ये थर्ड में। हमने कहता है कि एस की बॉडी में तीन चीजें हो सकती हैं। एस की बॉडी में तीन चीजें क्या क्या है? डीएनए, एक क्या है बेटा कार्बोहाइड्रेट, और एक क्या है इसके साथ प्रोटीन। मतलब जेनेटिक मटेरियल इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो कहते जी मैंने इसमें, कहते हैं इसमें मैंने डीएनए डाल दिया। किसका? ये वाला। बाकी इन दो को डाइजेस्ट करवा दिया था यहां पे। सेकंड में कहते मैंने यहां पे प्रोटीन डाल दिया, और थर्ड वाले में कहते हमने यहां पे कार्बोहाइड्रेट डाल दिए, जो डेड इसके अंदर थे। डेड कौन से में? एस ट्रेन में। और हमने पाया कि इस टेस्ट ट्यूब में बी और सी में तो कुछ नहीं हुआ, और इस टेस्ट ट्यूब में आर जो थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? स्मूथ में। तो इसका मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, जिसने इस कल्चर मीडियम में रफ को कन्वर्ट करवा दिया स्मूथ में। हेंस प्रूव्ड। यहां से हमें कंफर्म हो गया, यहां से कंफर्म हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है बेटा, जिसने रफ को स्मूथ में कन्वर्ट करा दिया। इसके बाद अगला एक्सपेरिमेंट है बेटे सेकेंड, वो भी सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल पे, वो थोड़ा और कंफर्म कर देगा। वो है बेटा हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट भी एक बैक्टीरिया पे है, जिसमें उन्होंने एक बैक्टीरिया यूज किया है इस एक्सपेरिमेंट में बेटा। हर्शे एंड चेज, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बैक्टीरिया यूज किया है ईकोलाई, और इसमें एक वायरस यूज किया है T2। T2 वायरस, ये कौन सा है? बैक्टीरियोफेज। ये एक ऐसा वायरस है बेटा जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। अब कहते हैं कि जब ये बैक्टीरिया पे अटैक करता है, ये ऐसा वायरस, देखो यूं ये वायरस जब बैक्टीरिया पे अटैक करता है ना बेटा, तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल, देखो बैक्टीरिया, इस वायरस के पास दो चीजें, एक तो इसके पास है बेटा प्रोटीन,
और एक है इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जिसको अब हम जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल, उस टाइम हमें पता नहीं था, तो इसके पास इसका डीएनए। अब जेनेटिक मटेरियल कौन होगा, या तो ये प्रोटीन या ये डीएनए, क्योंकि जब ये अटैक करता है वायरस तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर भेजता है और हमें पता नहीं कि प्रोटीन है या डीएनए। समझ रहे हो बात को, कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या फिर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, यही तो हम सर्च कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए केमिस्ट्री का ये डिफरेंस यूज किया कि प्रोटीन के पास तो होता है बेटा सल्फर और डीएनए के पास होता है फॉस्फोरस। इसके पास फॉस्फोरस नहीं है, इसके पास सल्फर नहीं। तो अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए उन्होंने इनको रेडियो एक्टिव बनाया। कैसे, देखो जैसे मैं दो स्टेप में इसको करके दिखा रहा हूं एक्सपेरिमेंट को आपको। जैसे मुझे नहीं पता कि कौन जेनेटिक मटेरियल, मैंने यहां क्या किया जी, ये वायरस है, इस वायरस के जो प्रोटीन है उसमें जो सल्फर है उसको रेडियो एक्टिव बना लिया, रेडियो एक्टिव यूज कर लिया और इसका बैक्टीरिया पे अटैक करवा दिया। ये कौन है, ई कोलाई, ये अटैक करवा दिया। इसको अटैक करवाने के बाद हमने फिर सेंट्रीफ्यूगेशन से इनको सेपरेट किया। तो पहले तो हमने ये क्या करवाया बेटा, इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन करवा दिया। फिर हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप ब्लेंडिंग, ब्लेंड करवाएंगे इनको सेपरेट करने के लिए। फिर हम बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन, जब इस पे अटैक करता है फिर हमने इसको जब सेपरेट कर दिया तो हमने ये देखा बेटा कि सेंट्रीफ्यूगेशन से, जैसे आप सेंट्रीफ्यूगेशन जब कराते हैं तो जो चीज लाइटर होगी वो ऊपर आ जाएगी, जो हैवी होगी वो नीचे चली जाएगी, वायरसेस नीचे चले जाते हैं और ये कोट ऊपर आ जाता है। अब ऊपर जो आया वो सुपरनेटेड है, सुपरनेट। इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने कंडक्ट किया, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें ये नहीं पता कि प्रोटीन जेनेटिक मटीरियल है या डीएनए। हमने इस प्रोटीन की सल्फर को रेडियो एक्टिव बना दिया, रेडियो एक्टिव हमें दिख जाएगा, नो प्रॉब्लम, हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इससे इस पे इंफेक्शन करवा दिया, फिर ब्लेंडिंग करके सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग करवाया। तो जो नीचे गया बैक्टीरिया, क्या इसमें सल्फर आई है, नो सल्फर इन बैक्टीरिया, सल्फर आई नहीं बैक्टीरिया में, इसका मतलब प्रोटीन अंदर गया ही नहीं, प्रोटीन गया ही नहीं, इट मींस प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटीरियल, प्रोटीन जेनेटिक मटीरियल नहीं है, ठीक है। फिर हम इसी एक्सपेरिमेंट के दूसरे पार्ट को देखते हैं बेटा। यहां पे हमने इस बार इस वायरस के अंदर डीएनए के फॉस्फोरस को रेडियोएक्टिव करवा देते हैं। देखो ये फॉस्फोरस को रेडियोएक्टिव करवा दे, वही तीनों स्टेप, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर आपने अपना डाटा फिर कलेक्ट किया। इस बार क्या बैक्टीरिया में कोई रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स आए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो यस, हमें पता लगा कि फॉस्फोरस इसके अंदर है, रेडियो एक्टिव इन बैक्टीरिया। और रेडियो एक्टिव क्या था इस बार, हमारा फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस किसमें होता है, डीएनए में, तो इसका मतलब डीएनए बैक्टीरिया के अंदर एंटर किया है, इट मींस कंफर्म्ड है डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल। तो ये रिजल्ट हमें कंफर्म करता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। अच्छा, इसके यहां सुपरनेटेंड में कोई रेडियो एक्टिविटी आई है, नो रेडियो एक्टिविटी, कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इसमें डिटेक्ट नहीं हुआ है बेटा। सो ये हमने जेनेटिक मटेरियल के दोनों एक्सपेरिमेंट देख लिए। अब हम आते हैं बेटा डीएनए की रिसर्च पे, कि डीएनए
कि केमिस्ट्री क्या है, डीएनए कैसा होता है, डीएनए के बारे में आपने थोड़ा सा लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है। तो डीएनए जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, डीएनए में क्या क्या मटेरियल है, सो डीएनए डीएनए विच इज द जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का मॉडल, डीएनए का स्ट्रक्चर जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो वेटसन और क्रिक का मॉडल है बेटा। तो हमने पहले इसकी डिस्कवरी देखनी है कि न्यूक्लिक एसिड्स हु हैड डिस्कवर्ड दिस डीएनए। सो फर्स्ट फ्रेडरिक मिक्सचर डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड इन पसल्स। द नेम इज फ्रेडरिक मिक्सचर। इन्होंने डिस्कवर किया था बेटा, डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड इन न्यूक्लियस ऑफ पसल्स। और इन्होंने इसको कहा था, ही कॉल्ड इट न्यूक्लिन, ही कॉल्ड इट न्यूक्लिन। यस, न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दी थी, टर्म न्यूक्लिक एसिड वॉज गिवन बाय, दिस टर्म वॉज गिवन बाय ऑल्टमैन, बाय ऑल्टमैन। न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, न्यूक्लिक एसिड होता है बेटा पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। प्लस वन में हमने चैप्टर पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स, वहां हमने इस कंसेप्ट को छोड़ दिया था। मैंने आपसे कहा था ये प्लस टू में आएगा, तो वो ये कंसेप्ट है बेटा न्यूक्लियोटाइड्स का, इट्स पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, वह डीएनए और आरएनए दो होते हैं ना बेटा न्यूक्लिक एसिड्स। अच्छा, डीएनए और आरएनए किसके बने होते हैं, हमने कहा जी न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है बेटा इट्स पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेसिस प्लस फॉस्फेट, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। एक टर्म और होती है बेटा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड का मतलब फॉस्फेट हटा दो बस इसमें से, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस, इन दो को मिला दोगे तो ये हो जाएगा बेटा न्यूक्लियोसाइड। अब इसके बाद है पहला कंसेप्ट बेटा नाइट्रोजिनस बेसिस क्या होते हैं। डीएनए में और आरएनए में दोनों में ही नाइट्रोजिनस बेसिस मिलते हैं। नाइट्रोजिनस बेसिस दो तरह के होते हैं बेटा, पाइरिमिडिन्स और प्यूरिन्स। पाइरिमिडिन्स और प्यूरिन, देयर ऑफ टू टाइप्स। पाइरिमिडिन कौन कौन होते हैं, इसमें पाइरिमिडिन रिंग होता है जिसमें दो नाइट्रोजन और चार कार्बन के एटम्स होते हैं बेटा। ये
वन पायरिमिडीन रिंग मिलेगा इसमें, जिसमें बेटे स्केलेटन ऑफ रिंग कंपोज्ड ऑफ टू नाइट्रोजन प्लस फोर कार्बन, इसमें दो नाइट्रोजन और चार कार्बन होते हैं बेटा। इसके एग्जांपल साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल, साइटोसिन, थायमिन और बेटा यूरासिल। प्यूरिन क्या होते हैं? इसमें दो रिंग होते हैं बेटा, देयर आर टू रिंग्स, इसमें सिंगल था ना पायरिमिडीन में, प्यूरिन्स में दो रिंग होंगे, देयर आर टू रिंग्स। यस बेटा, इसमें एक तो वही पायरिमिडीन रिंग, दो नाइट्रोजन और चार कार्बन वाला, प्लस इसके साथ होता है बेटा इमिडाजोल रिंग, एक रिंग और है इमिडाजोल रिंग। अभी इमिडाजोल रिंग कैसा है बेटा? इसमें दो नाइट्रोजन और तीन कार्बन, दो नाइट्रोजन और तीन कार्बन से बनता है। प्यूरिन्स कितनी तरह के होते हैं? प्यूरिन्स दो तरह के मिलते हैं बेटा, एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और बेटा गुआनिन। इसके लिए ए लिखते हैं, ये जी, दिस वन सी, टी, यू। इनके स्ट्रक्चर को पढ़ना बहुत जरूरी है डीएनए समझने के लिए। डीएनए का स्ट्रक्चर जब तक आप इनके स्ट्रक्चर नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। डीएनए के पार्ट्स हैं बेटा डीएनए आरएनए के। तो फर्स्ट बेटा साइटोसिन का रिंग कैसा होगा? साइटोसिन रिंग, दिस रिंग इज लिटिल लाइक दिस, NH2, this is double bond, nitrogen, then with this one, oxygen, then nitrogen, this hydrogen, here double bond, this one. ये structure है बेटा, ये किसका है? साइटोसिन का। इसके बाद second है यूरासिल का। यूरासिल कहां मिलता है? यूरासिल मिलता है आरएनए में, ये डीएनए में नहीं मिलता बेटा, याद रखिएगा। इसके बाद है यहां बेटा एनएच, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन बेटा एनएच, दिस ये। अब इसमें कार्बन की नंबरिंग करनी हो तो रिंग में नंबरिंग हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बेटा थर्ड है थायमिन, थायमिन रिंग कैसा होगा? थायमिन किसमें होता है? ये डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता। ये आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता यूरासिल। हां जी बेटा, तो थायमिन कैसा होगा? तो साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन, ये तीनों के स्ट्रक्चर आपने लर्न करने हैं। इसके बाद है बेटा प्यूरिन्स, ये पायरिमिडिन्स हो गए, इसके बाद प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर। प्यूरिन्स यानी डबल रिंग वाले, इसमें बेटा
इसमें नंबरिंग कैसी होगी? इसमें ये फर्स्ट होगा बेटा, फर्स्ट सेकंड, दिस वन थर्ड, देन बेटा फोर फाइव सिक्स, देन बेटे सेवन एट एंड नाइन। इसके बाद है बेटा सेकंड गोवा नेम, सेम बेटा डबल रिंग स्ट्रक्चर गोवा नेम एंड हियर इज एडिंग, ये नाइन मेंबर रिंग। इसके बाद शुगर, ये तो हो गए चारों, मतलब तीन हो गए हमारे पायरिमिडिन्स, दो ये पांच हो गए प्यूरिन पायरिमिडिन और एक डीएनए आरएनए में, इनमें से चार आएंगे। प्यूरिन्स दोनों में ही होते हैं, डीएनए में भी और आरएनए में भी, दोनों ही होंगे बेटे। अब इसके बाद जो शुगर हमने लिखे थे पेंटोज शुगर बेटा दो तरह की, डीऑक्सीराइबोस और राइबोस। राइबोस मिलेगी आरएनए में, ये तो होती है बेटा आरएनए में, और ये डीऑक्सीराइबोस मिलती है बेटा डीएनए। यस बेटा, राइबोस शुगर, फाइव मेंबर, CH2OH, दिस वन H, HOH, HOH, OHH। ये हो गया बेटा राइबोस। इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। देन बेटा डीऑक्सीराइबोस सेम बिल्कुल इसी तरह सारा ऐसा ही बना दो, यहां डिफरेंस है बस। यहां क्या डिफरेंस है? ये तो सेम एच ओ एच, ये एच एच आ गया, यहां पे ओ एस था और यहां पे एच है, यहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, वहां सिर्फ हाइड्रोजन है। नंबरिंग वही सेम, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ये हो गया, ये स्ट्रक्चर करना है राइबोस का और डीऑक्सीराइबोस। ये डीएनए में है बेटा, ये आरएनए में। इसके बाद लास्ट फॉस्फेट, जैसे मैंने बताया था आपको डीएनए और आरएनए में क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसमें शुगर थी, नाइट्रोजनस बेस और थर्ड था फॉस्फेट। तो हमने दो पार्ट पूरे पढ़ लिए, थर्ड है बेटा छोटा सा ही है फॉस्फेट। फॉस्फेट कैसा होता है बेटा? ये स्ट्रक्चर है इसका, दिस वन ओ OH, OH, OH। फॉस्फेट होता कैसा बेटा? एसिडिक और नेगेटिवली चार्ज्ड। इसी के कारण ही डीएनए प्रॉपर्टी शो करता है एसिडिक के। तो यहां तक आपने नेक्स्ट लेक्चर से पहले तक लर्न करना है, और डीएनए का स्ट्रक्चर जब आप ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ेंगे तो ही समझ आएगा। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।